एजुकेशन सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, वर्क एक्सपीरियंस लेटर, ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, वीजा, इतना कुछ कहां से अरेंज होगा? इतनी टेंशन नहीं लेनी है, स्किल भी है। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, वीजा अपॉइंटमेंट लेना और यूरोप पहुंचने के बाद भी ड्राइविंग परमिट्स इकट्ठा करके गाड़ी चलाने तक का सफर किसी पहाड़ चढ़ने से कम तो है नहीं। पर स्किल बी में हम ये पूरा प्रोसेस आसान बना देते हैं। इस वीडियो में ट्रक ड्राइवर्स के लिए इंडिया से यूरोप तक पहुंचने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम बताएंगे। स्किल बी के साथ जुड़ने के बाद हमारे कैंडिडेट्स इसी प्रोसेस के थ्रू यूरोप पहुंचते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये पूरा प्रोसेस तीन स्टेप्स में डिवाइड हो सकता है। स्टेप नंबर वन होती है कैंडिडेट शॉर्टलिस्टिंग। जब भी यूरोप की किसी कंपनी में ड्राइवर्स की वैकेंसी आती है तब हम कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। इस स्टेज पर हम देखते हैं कि कैंडिडेट्स यूरोप जाने के लिए कितने मोटिवेटेड हैं, उनकी इंग्लिश की नॉलेज कैसी है और उनके ड्राइविंग स्किल्स कैसे हैं। कई बार ये रिक्वायरमेंट्स यूरोपियन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स खुद भी चेक कर लेते हैं। अगर रिक्वायरमेंट्स पूरे हो गए तो आपका और स्किल बी का रिश्ता यहां से ऑफिशियल हो जाता है। स्टेप टू में कंपनीज सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए एक ऑफर लेटर जनरेट कराती है। इस ऑफर लेटर में आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, मंथली सैलरी, कंपनी के द्वारा दिए जाने वाला इंश्योरेंस और अकोमोडेशन की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। एक ऑफर लेटर कुछ ऐसा दिखता है। ऑफर लेटर के बाद कंपनीज आपको जनरली एक वर्क परमिट या उसी की तरह यूज होने वाला TR कोड भेजती है। इस ऑफर लेटर की डिजिटल कॉपी आप तक पहुंच जाए तो फिर शुरू होता है थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 3 में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वीजा एप्लीकेशन सेंटर पर रिपोर्ट करना पड़ता है। ये वीजा एप्लीकेशन सेंटर नई दिल्ली में है और एक फिक्स डेट और टाइम पर आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट करना होता है। अब ये डॉक्यूमेंट्स तीन एंटिटीज प्रोवाइड करती हैं। एक एम्प्लॉयर यानी वो यूरोपियन कंपनी जहां आप काम करने जाएंगे, एक आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि हम स्किल बी, और एक आप यानी कि एम्प्लॉय। यूरोपियन कंपनीज को दिखाना होगा आपका वर्क परमिट जिससे आपको उस पर्टिकुलर कंपनी में काम करने की परमिशन मिलती है। एक इनविटेशन लेटर जो कि आपके लिए एक फॉर्मल न्योता होगा, इसे शादी के कार्ड जैसा समझिए, बशर्ते शादी में आप भले ही कार्ड के बिना घुस जाएं, यूरोप में ये करने की भूल मत कीजिएगा। आपको KRS का एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जो कि कंपनी के डिटेल्स के बारे में मेंशन करता है। इसके अलावा एक अकोमोडेशन लेटर और एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी कंपनी वीजा अपॉइंटमेंट सेंटर पर दिखाने के लिए आपको देगी। रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि हम आपको देंगे वीजा अपॉइंटमेंट सेंटर का एक अपॉइंटमेंट लेटर जिसे दिखा के आप अपॉइंटमेंट सेंटर पर एंट्री करेंगे, एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जिसे भरने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे, और एक कवरिंग लेटर जो बाद में आपकी डेस्टिनेशन कंट्री के एम्बेसी में सबमिट होगी। साथ में आपको फ्लाइट टिकट्स और ट्रैवल इंश्योरेंस भी दिखानी होगी जो कि हम आपको पहले से ही दे देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने तरफ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। तो आपको रखना होगा अपना एक अपडेटेड CV, पहले का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 10th 12th ग्रेजुएशन जहां तक भी आपने पढ़ाई की है वहां तक का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका एक बैंक स्टेटमेंट और ड्राइविंग लाइसेंस। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपको एक IDP यानी कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी कैरी करनी होगी, क्योंकि IDP के बिना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं होगी फॉरन। अब ऐसा नहीं है कि IDP और इंडियन लाइसेंस के साथ आपको यूरोप में ट्रक चलाने का टिकट मिल जाएगा। IDP और इंडियन लाइसेंस के जरिए आप यूरोप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये खुद में ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसके बारे में हम एक दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो मोटा मोटी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपके रिक्रूटमेंट एजेंसी और एम्प्लॉयर को वीजा एप्लीकेशन सेंटर पर देने होंगे। सब ठीक रहा तो आपकी वीजा पर मोहर लग जाएगा और बस आप तैयार हैं यूरोप में एक नया सफर शुरू करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस में कुछ हफ्तों से महीनों तक का वक्त लग सकता है, पर स्किल बी की रिक्रूटमेंट टीम आपके साथ हर स्टेप पर खड़ी रहती है। 300 से ज्यादा कैंडिडेट्स इसके गवाह हैं। अगर आप भी यूरोप में ट्रक ड्राइवर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को फिल कीजिए।
हम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।